तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार और का हमारी यूट्यूब चैनल टेक्निकल विष्णु डीटीएस पर। दोस्तों आज की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है डी फ्रिज की 72 ई ऑक्शन को लेकर। दोस्तों डी फ्रिज की 72 ई ऑक्शन कैंसिल हो चुकी है और क्या अब हमें डी फ्रिज पर एक भी चैनल देखने को नहीं मिलेगा इस 19 सितंबर से। और दोस्तों क्या है पूरी अपडेट, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो पर देने वाला हूँ, इसलिए दोस्तों आप हमारे इस वीडियो पर एंड तक बने रहें। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले मेरी ऐसे लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हर बार की तरह अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो इसी वक्त आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करने के साथ साथ ऐसी अपडेट पाते रहने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिन देरी की आज की इस न्यू वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों इस 12 सितंबर को डीडी फ्रिज की 72 ई ऑक्शन की गई थी और दोस्तों सोर्सेज के मुताबिक ये अपडेट आई थी कि यह ई ऑक्शन उसी दिन समाप्त हो गई थी। और दोस्तों उस ई ऑक्शन में लगभग एक ही चैनल ने अपना स्लॉट वन किया था, उसका नाम था इंडिया डेली लाइव। और दोस्तों उसके बाद भी इतने दिन हो गए हैं लेकिन प्रसार भारती की ओर से डी फ्रिज की 72 ई ऑक्शन का ऑफिशियल रिजल्ट नहीं आया है। और दोस्तों सबके मन में यही डाउट है कि क्या इस बार भी डीडी फ्रिज पर इस 19 सितंबर से चैनल सेट होंगे या नहीं, क्योंकि दोस्तों हर बार जितनी भी ई ऑक्शन की जाती थी उन सभी का रिजल्ट आ जाता था लगभग 2-3 दिन के अंदर, यहां तक कि एनुअल ई ऑक्शन का रिजल्ट भी कुछ ही दिन में आ जाता था। लेकिन दोस्तों इस ई ऑक्शन में इतना ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा है? दोस्तों ये सवाल आपके मन में ज़रूर से आया होगा। और दोस्तों क्या ये ई ऑक्शन कैंसिल हो गई है? क्योंकि दोस्तों आज 17 तारीख है और अभी तक इस ई ऑक्शन के रिजल्ट के बारे में कोई भी अपडेट नहीं आई है। दोस्तों तो मैं आपको बता दूं कि हमारे सोर्सेज के मुताबिक से अपडेट आई थी कि इंडिया डेली लाइव चैनल ने इस ऑक्शन में लगभग 10 करोड़ दे के अपना स्लॉट वन कर लिया है। दोस्तों तो हो सकता है ये अपडेट फेक भी रह जाए, क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ चैनल्स के बारे में अपडेट आती है कि वो डी फ्रिज की इस ऑक्शन में स्लॉट वन कर लिए हैं, लेकिन दोस्तों वो सच नहीं निकलती है। और दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि डी फ्रिज की इस ऑक्शन में किसी भी चैनल ने अपना स्लॉट वन करने के लिए पार्टिसिपेट नहीं किया हो। वैसे दोस्तों कल 18 तारीख है और अगर कल के दिन इस ऑक्शन का रिजल्ट सामने नहीं आता है तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये ऑक्शन एक बार फिर कैंसिल हो चुकी है। और दोस्तों इस वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।